के कौशाम्बी जिला में दो महिलाओं सहित कुल सात हीटवेव के चलते हुई मौत। चार घंटे के अंदर मेडिकल कॉलेज पहुंचे सात शव। CMS बोले लू लगने की आशंका। यूपी के कौशाम्बी जिले में आसमान में बरस रही आग की चपेट में आने से दो महिलाओं सहित कुल सात लोगों की मौत हो गई है। महज चार घंटे के अंदर सात लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज प्रशासन की मौतों के बाद नींद उड़ गई है। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के लालापुर निवासी राम मिलन पुत्र शीतल की लू लगने के कारण तबियत बिगड़ गई। परिजन गंभीर हालत में उन्हें लेकर मंजनपुर स्थित मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वे बता दें, इलाज शुरू होने के 15 मिनट बाद राम मिलन ने दम तोड़ दिया। कड़ा धाम थाना क्षेत्र के निजाम का पूरा की रहने वाली सारिका बानू पत्नी इच्छन हैदर भिन्नौतपा का शिकार हो गई। मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां आधे घंटे बाद उनकी मौत हो गई। करारी थाना क्षेत्र के अशोक नगर निवासी हीरालाल पुत्र रामभजन को अचानक तेज बुखार आया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, इसके पहले उनकी सांसें थम गई। कोखराज थाना क्षेत्र के रसूलपुर कारजी गाँव के रहने वाले जैनुद्दीन पुत्र अब्दुल खालिक पैरालिसिस अटैक से जूझ रहे थे। गर्मी के कारण अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। अरे, ये अचानक जो है इनको गर्मी लगी थी, लू लग गई है और बुखार जो है बहुत तेज अचानक इनके होश हो गए। उसके बाद भी आनंद फानंद जो है गाड़ी बुलवाई एम्बुलेंस लेके यहाँ भाग गया। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर क्या बता रहे हैं, कंडीशन कैसी? अरे, कंडीशन तो कह रहे हैं गड़बड़ दिखा दीजिए, इलाहाबाद लेके जाइए। अपना नाम बता दी। आज यहाँ पे करीब दो लोग एक्सपायर हुए हैं, काफ़ी सीरियस कंडीशन में आए थे और चार लोग ब्रॉड डेड थे। तो संभावना यही है, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है गर्मी से संबंधित हो। दोनों का कहना है हीट स्ट्रोक से मौत हुई। हाँ, वही मौसम की बात कर रहे हैं, इस समय गर्मी ज़्यादा है तो संभावना है कि गर्मी से। कुल संख्या क्या है मरने वालों की? यहाँ पे दो लोग एक्सपायर हुए हैं जो सीरियस कंडीशन में आए थे और तीन पेशेंट इस समय भर्ती हैं। अब तक कितने पेशेंट हैं? बस तीन ही। हाँ, इस समय यहाँ पे तीन पेशेंट भर्ती हैं। तीन पेशेंट भर्ती।